गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के दिन हम लोग साइटोलॉजी का एक वर्ड टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है सेल के भाग, यानी कि कोशिका के भाग। हमें इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ना है कि कोशिका के मेनली कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, किसका क्या रोल होता है। छोटा सा वीडियो बनेगा, मान चलिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम आज साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और ये साइटोप्लाज्म का टॉपिक है बोर्ड पेपर और तमाम प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के भाग कौन कौन से भाग होते हैं, जैसा कि बताया गया है आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि सेल के मेनली तीन भाग होते हैं, यानी कोशिका, संपूर्ण कोशिका को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है जीवद्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। दूसरा आपका है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा आपका है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताया गया आपको कि कोशिका के, सेल के बेसिकली तीन भाग होते हैं, तीनों भागों का नाम आप जान चुके हैं। साइटोप्लाज्म पहला है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल भी आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट है, और तीसरा भाग है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब हम लोग वन बाई वन करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग बनेगा साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं, आप इसे कोशिका द्रव भी कह सकते हैं अथवा जीव द्रव भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर भरा हुआ लिक्विड, सेल चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स का हो, बेसिकली याद रहे चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे फिर यूकैरियोटिक सेल हो, सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, फिलअप होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सन 1835 में, 1835 में बात हो रही है, इसके लिए आपने सुना होगा पिछले क्लासों में, बेसिकली सिक्स में या सेवन्थ में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, पुरकिंजे का नाम, हक्सले का नाम सुना होगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। हम लोग यहाँ पर लेंथ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सो 1835 में डुजार्डिन, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम है डुजार्डिन, इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस क्लास में इस साइंटिस्ट का जो है जिक्र नहीं किया गया, फिलहाल बता दे रहा हूं मैं। सन 1835 में डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म का स्टडी किया था। तो हम लोगों को यहां पर बताना है आगे, एक बताओ उस साइटोप्लाज्म को इन्होंने नाम दिया था सार्कोड। सो आप इसको रिमेम्बर करेंगे, सार्कोड। कभी कभी बोर्ड पेपर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सार्कोड क्या होता है, सार्कोड कहाँ पाया जाए, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म को ही हम लोग सार्कोड कहते हैं, और सार्कोड की खोज की थी 1835 में डुजार्डिन ने, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने। लेकिन साइटोप्लाज्म नाम इन्होंने नहीं दिया था, तब क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था सार्कोड, यानी कि जीवद्रव्य को सबसे पहले इन्होंने सार्कोड का नाम दिया था, और इसी नाम के आधार पर इन्होंने सार्कोड का अध्ययन किया, यानी जीवद्रव्य का अध्ययन किया। बाद में सन 1840 में, 1840 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने, याद रखिएगा पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म नाम दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस क्लासों में
इसके बारे में बताया गया है कि साइटोप्लाज्म की खोज जो है पुरकिंजे ने की थी, बट ऐसा नहीं है। आप याद रखिएगा, डिटेल में जानकारी लीजिएगा कि साइटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले डुजार्डे ने की थी, लेकिन उसे नाम दिया था सारगोल। बट आगे चल करके 1840 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने उसी सारगोल को नाम दे दिया जीवद्रव, यानी साइटोप्लाज्म। आगे देखते हैं, सन 1861 में, याद रखिएगा ये जो मैं सन लिख रहा हूँ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं होम एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन जब भी आप कभी भी मेडिकल का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो डी फार्मा हो, नीट वगैरह हो, तो ऐसे बोर्ड मतलब मेडिकल के एग्जाम्स में ये सन जो है इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1861 में, 1861 में मैक्स सुल्ज, याद रखिएगा मैक्स सुल्ज नामक साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। याद रखिएगा साइटोप्लाज्म थ्योरी पूछी जाती है, साइटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? मैक्स सुल्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्स सुल्ज ने साइटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। साइटोप्लाज्म थ्योरी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स सुल्ज, साइटोप्लाज्म में सेल का वह इंपॉर्टेंट भाग होता है, वह मेन भाग होता है जिसके कारण से पूरी कोशिका जीवित रहती है, अथवा हम कह सकते हैं कि सेल का पूरा मैकेनिज्म, पूरा व्यवहार, पूरा फंक्शन, पूरा स्ट्रक्चर इसी साइटोप्लाज्म पर बेस्ड होता है। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के व्यवहार के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, कि साइटोप्लाज्म किससे बना होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में साइटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इन 1865 आपको नाम याद होगा हक्सले, सन 1865 में हक्सले नामक साइंटिस्ट ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे लगभग हर बार पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा था। हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जानते रहेगा कि हक्सले नामक साइंटिस्ट ने 1865 में साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। तो लिख लीजिए यहां पर भौतिक आधार बताया था। तो ये चार सन हैं और चार साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं इस साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, ये सभी नाम हैं और ये सभी खोज वगैरह हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, साइटोप्लाज्म क्या होता है बता दें, सेल के अंदर कोशिका के अंदर उपस्थित लिक्विड, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, द्रव भी कह सकते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसकी खोज 1835 में डुजार्डे ने की थी, जिसे उन्होंने सारकोड नाम दिया था। बट आगे चल करके 1840 में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे जीवद्रव्य नाम दिया था, फिर 1861 में मैक्स सुल्ज ने इसे साइटोप्लाज्म थ्योरी के नाम से जो है पब्लिश किया था, उसके बाद 1865 में हक्सले ने इसी साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। तो याद रखिएगा जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं जीवद्रव्य को, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इतना आप स्टडी करते रहिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।